नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं कि 17 जुलाई सन 2017 को सूर्य महाराज मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त सन 2017 तक सूर्य महाराज कर्क राशि में ही रहेंगे, तो इसका अब बात करूंगा मिथुन राशि के लोगों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि के सेकंड हाउस में सूर्य प्रवेश करने जा रहे हैं और सेकंड हाउस क्योंकि हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का होता है, तो ऐसे में क्या है कि उसके कुछ प्रभाव उनको खराब मिल सकते हैं, यानी जो जोड़ा हुआ धन होता है वो भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो सूर्य महाराज जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के जुड़े हुए धन में कुछ कमी आने की संभावना बनती है। कारण यह है कि सूर्य महाराज जहां पर भी बैठते हैं उस घर के सुखों की थोड़ी सी कमी लाते हैं, यानी अपने प्रेमी जनों से संबंध विच्छेद होने की संभावना, यानी कुटुंब में कुछ झगड़ा इत्यादि होने की संभावनाएं बन जाती है और उसमें सबसे बड़ा दोष आपकी वाणी का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वाणी भाव में जब सूर्य बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत गर्म वाणी बोलता है, यानी बहुत गुस्से से बोलेगा, तो ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे जब गुस्से से बोलेगा तो कहीं ना कहीं झगड़ा पड़ेगा। इसके अलावा पूरा कुटुंब भी आपका सेकंड हाउस है तो वहां पर उनको भी गुस्सा आ रहा होगा, तो जब दोनों तरफ गुस्सा आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंधों में कुछ खटास आने की संभावना बन जाती है। परंतु घबराने वाली बात नहीं, अगर आप पहले 10 दिन अगर आप बच करके चलें, क्योंकि जो सूर्य का गोचर है वो 0 से 10 डिग्री तक ज्यादा प्रभाव देता है, उसके बाद उसके फल सामान्य हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल करके चलें, धन अगर कहीं खर्च करना है तो सोच समझ के खर्च करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य का उतना खराब प्रभाव नहीं आएगा। परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सूर्य आपको खराब फल दे रहा है तो आप जो है एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर थोड़े चीनी चावल रोली डाल करके निरंतर एवरीडे सूर्य को अगर आप जल देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्य या ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो उसके अशुभ फलों में कुछ कमी अवश्य आएगी। इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप गेहूं, गुड़ या घड़ी, ये किसी जरूरतमंद को एवरी संडे या पहले 10 दिन भी अगर आप दे देंगे रेगुलर, तो आप देखेंगे सूर्य का प्रभाव अच्छा होता चला जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ संबंध अच्छे रखें। सरकार के साथ किसी भी प्रकार की टैक्स या किसी भी प्रकार की चीटिंग आप बिल्कुल ना करें। खर्चा बहुत सोच समझ के करना है, जो वाणी मुंह से निकालनी है वो बहुत सोच समझ के निकालनी है ताकि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जल्दी हुई वाणी से दिल दुख जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य की सातवीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे है, यानी अगर आपको, क्योंकि सूर्य पैतृक संपत्ति का भी कारक होता है और अष्टम स्थान पैतृक संपत्ति का होता है, यानी उसकी सातवीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे है, यानी आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली होगी, तो उसमें कुछ अड़चन रुकावट आ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कुछ सरकार की तरफ से अड़चन रुकावट आपको प्राप्त हो सकती है। परंतु जैसा मैंने बोला, घबराने की कोई बात नहीं, आपको छोटे छोटे उपाय जैसे मैंने आपको बोला वो करते चले जाएंगे तो आपका ये सूर्य और बेटर होता हुआ चला जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।